सारी दुनिया भी सो रही है, अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। आज है फ्राइडे, कुछ अलग किया जाए। अगर आप किसी भी चीज को अपने दिल से, तो पहले पानी पी लेते हैं। आटा मैंने गूंथ लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर एनर्जेटिक स्टडी ब्लॉग। और गाइस, अभी शाम के 8:30 हो रहे हैं, 8:42 हो रहे हैं, बट ये 10 मिनट फास्ट है। और आज है फ्राइडे 22 दिसंबर। और आज का ब्लॉग मेरा शाम को स्टार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि शाम को क्यों स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, डिनर अपना कंप्लीट करने, डिनर कंप्लीट करके, और आज जो ब्लॉग मेरा होगा 10 बजे से स्टार्ट होगा रात को, और पूरे रात भर मुझे पढ़ाई करना है। ये अपने आप से मैंने चैलेंज लिया है। तो मैंने अभी जस्ट आपको एज अ इंट्रो मैंने बता दिया कि क्यों आज का ब्लॉग शाम को स्टार्ट होगा, और मुझे फुल नाइट स्टडी करना है आज। यहाँ सब्जी मैंने काट लिया है, सब्जी बनना शुरू हो जाएगा, फिर आटा गूंथ लूंगा। फ्लैटमेट है बगल वाले, उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ खाना। आटा मैंने गूंथ लिया है, अब चलते हैं रोटी बनाने। इनके साथ अभी एक इंसिडेंट हो गया। इस बोतल से पानी पी रहे थे, खा रहे हैं, तो जो हमेशा होता है पानी गिरना, पूरा मुंह में घुस गया इनके पानी, वो भी इतनी ठंड में। डिनर कंप्लीट हो चुका है, बट अभी जस्ट मैंने डिनर किया है, तो अभी 5-10 मिनट हम टहल लेते हैं, उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, एकदम अंधेरा है चारों तरफ, थोड़ा सा टहल के तब चलेंगे नीचे। आज के मिशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो इनर के ऊपर से एक शॉर्ट पहन लिया है मैंने, और ये डेनिम जैकेट। मैं अपना शेड्यूल बनाता हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, तो पहले पानी पी लेते हैं। दो दिन से ठीक से पढ़े नहीं थे, इसलिए आज मैं सारे क्लास 9th NCERT बुक के चैप्टर्स को देख रहा हूँ कि कितने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हैं और कितने बाकी हैं। अभी इस समय इतने चैप्टर बाकी हैं, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बस 17 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है पढ़ के, और 19 अभी बाकी है। मैं सोच रहा था कि मेरा तो 75% तक कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा ही बाकी होगा, बट मैंने आज फिर से एनालाइज किया तो अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो पहले से तो मैंने डिसाइड किया था कि आज पूरा रात भर मैं पढ़ूंगा, जिसमें कि मेरा अभी तक का जितना कंप्लीट हुआ है NCERT क्लास 9th का बुक में, उसको मैं रिवाइज करने का मैंने सोचा था, बट अभी मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपना टू डू लिस्ट। आज मैं अपना टू डू लिस्ट इस पेपर पे बनाया हूँ, इस पेज पे, जो कि आप देख सकते हो बड़े बड़े लिखा है मैंने, क्योंकि आज नाइट में मुझे पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए, कुछ अलग किया जाए, इसलिए मैंने आज का जो टू डू लिस्ट है वो इस पेपर पर लिखा है। मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर इकोनॉमिक्स, तब पॉलिटी। मान लेते हैं अभी नाइट स्टार्ट हुआ है, कहीं जाते जाते 2-3 बजे तक नींद लगने लगे, बट ऐसा नहीं करना है। और आप बताओ गाइस, मेरे से क्या हो पाएगा, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा आज का जो मेरा चैलेंज है, और पूरे फुल नाइट पढ़ने का, वो मेरा चैलेंज पूरा हो पाएगा कि नहीं। वैसे मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जो चैलेंज मेरा फर्स्ट चैलेंज है ये, और फर्स्ट चैलेंज जो है उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा, चाहे नींद लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं सोऊंगा नहीं। इसके बाद तो और भी सारे बहुत सारे चैलेंज लेना है 2024 में, पढ़ाई से रिलेटेड, कि मुझे कैसे पढ़ना है, अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे लाना है, कंसिस्टेंसी कैसे लाना है, स्टडी कैसे करना है फोकस्ड होके। अभी फ़िलहाल कंप्लीट करते हैं आज का फर्स्ट मेरा चैलेंज, जो कि फुल नाइट स्टडी चैलेंज है। मैं अपना कभी भी स्टडी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले राइटिंग लिखता हूँ। आज के टू डू लिस्ट में मैंने राइटिंग नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री में कुछ टॉपिक पढ़ता हूँ, व्हाई डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, हाउ पीपल लाइव्स अफेक्टेड, रिवेलियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो गाइज, हिस्ट्री में मैं अभी पढ़ रहा था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, 11:30 में स्टार्ट किया था, और अभी 12:29 हो रहे हैं, तो लगभग 1 घंटा लगा मुझे इस चैप्टर को अच्छे से कम्प्लीट करने में। और गाइज, मैंने लाइट बंद कर दिया था, और ये टेबल लाइट है, इसको ऑन करके मैं पढ़ रहा था, बट ये चार्ज ही नहीं है, इसका चार्ज 1 घंटे में पूरा ख़त्म हो गया, तो इसे टिक कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स कितने दिन से नहीं पढ़ रहा था, बट आज पढ़ेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, और बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो कि चलाए गए थे, उस सब इसमें डिस्कस किया गया है, जैसे कि मनरेगा। आज के टू डू लिस्ट का दूसरा टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी टाइम हो रहा है
1:32, तो अभी 5 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा एक छोटा सा, और तब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इसको पैर रखने के लिए चेयर के पास रख लेते हैं, क्योंकि टाइल्स बहुत ठंडा लग रहा है। 1:40 हो चुका है, अभी अब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशियरी। अभी 2:38 हो रहे हैं और पॉलिटी में मेरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 मैंने पढ़ा है, अभी ये भी कंप्लीट हो गया। अब पॉलिटी में बस एक चैप्टर बचा हुआ है। तो गाइज अभी नाइट में 2:30 अभी मुझे नींद नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि मुझे आज कैसे भी नाइट में पूरे नाइट पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने दिल से और इंटरेस्ट लेके करना शुरू कर देते हो ना, तो गाइज आपको काम कोई नहीं रोक सकता है करने से, नींद भी नहीं, चाहे कोई भी नहीं। ये जो 3 आवर्स का स्लॉट था ये हो गया है कम्प्लीट। अभी गाइज 2:45 हो रहे हैं। साइंस में बस मैंने 5 चैप्टर पढ़े हैं और 7 बाकी हैं, तो अभी 2 चैप्टर पढ़ते हैं। साइंस में मैं आज 2 चैप्टर पढ़ता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 6 जो कि है टिश्यूज, और ये चैप्टर बहुत लेंदी है मेरे हिसाब से। इसमें पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में, फिर प्लांट्स टिश्यूज के बारे में, और ये चैप्टर इंड हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए थे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था पढ़ने में, और याद भी जल्दी नहीं होगा इसलिए डिफ़िकल्ट था। अभी जा रहा हूँ बेड पर पढ़ने, वहाँ पर बैठ के पढ़ूंगा। मैं 10 मिनट का रेस्ट लूँगा, क्योंकि अपने माइंड को थोड़ा 10-12 मिनट रेस्ट दे देते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो गाइस सारी दुनिया भी सो रही है, और मैं रात को अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने अभी एक मिनी रेस्ट लिया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेता हूँ, बाहर टहल लेता हूँ। तो वही मैं टहल रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया, तो अब चलिए टेबल रखते हैं बेड पर और पढ़ते हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ साइंस में चैप्टर 7 जो कि है मोशन, और इसमें मोशन को डिस्क्राइब किया गया है, फिर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। गाइज मेरा अलार्म बज रहा है अभी, मुझे जगा रहा है कि उठ जाओ, बट इसे तो पता ही नहीं है कि मैं तो रात में सोया ही नहीं हूँ। अभी साइंस में मैंने 2 चैप्टर जो मोशन था उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और पता है गाइज अभी ना मुझे भूख लग रहा है पता नहीं क्यों। जब तक नींद नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब 5:00 अभी 5:09 हो रहा है, मेरा साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ लूसेंट पढ़ने। तो मेरे कान में ठंड लग रहा था, तो मैंने जैकेट का कैप निकाल के पहन लिया और लूसेंट पढ़ने लगा बैठ। अब 6:00 और मेरा लूसेंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने लूसेंट पढ़ लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ करेंट अफेयर्स लिखने, और करेंट अफेयर्स लिख के उसके बाद चलेंगे बाहर एक्सरसाइज करने। थोड़ा थोड़ा तो नींद लग रहा है, बट अब तो डे हो गया है तो अब क्या ही सोना। बट करेंट अफेयर्स लिखने से पहले मैं जा रहा हूँ ब्रश करने, और ब्रश करने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात से ही लग गया भूख, और मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, उसको खाऊंगा ब्रश करके, तब करंट अफेयर्स लिखेंगे। यही बिस्किट है मैरीगोल्ड, मैं इसे खा रहा हूँ। तो गाइज मैंने आज का 23 दिसंबर का करंट अफेयर्स भी लिख लिया है, अब इसको जल्दी से एक बार रिविज़न कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर एक्सरसाइज करके, पार्क से आते हैं। मैं जब पहुंचता हूं पार्क, तो पार्क में लगा हुआ था ताला, क्योंकि उसमें कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। फिर उधर से आते टाइम मैं मटर ले लेता हूं सब्जी बनाने के लिए, कुछ टमाटर ले लेता हूं, और थोड़ी देर के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूं। और इसमें मैं पढ़ता हूं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस चैप्टर को फिर से कल दोबारा पढ़ूंगा। तो गाइस अभी 8:29 हो रहे हैं मॉर्निंग की, ज्योग्राफी जो पढ़ना था चैप्टर उसको मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया, और अभी ना गाइस मुझे नींद बहुत लग रहा है, बट फिर भी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। मन कर रहा है कि थोड़ा सा सो जाए, बट मैं एक नैप लूँगा। अभी मुझे मैथ्स पढ़ना है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बनाने हैं। फिर मैं कैसे भी 1 घंटा मैथ्स पढ़ता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ 10 मिनट का नैप लेने, क्योंकि नींद लग रहा है मुझे,
और नैप 10 मिनट का ले लेने के बाद उसके बाद मैं पढ़ूंगा इंग्लिश, 11 बज जाएगा, उसके बाद तब जाऊंगा मैं सोने अच्छे से। तो गाइज़ अभी 11:13 हो रहे हैं और अपना मैंने जो भी टारगेट था वो सब कंप्लीट कर लिया है टू डू लिस्ट का। और गाइज़ मैंने जैसा सोचा था वैसा मेरा नाइट एकदम प्रोडक्टिव हो चुका है और अपने मैंने चैलेंज को पूरा किया है, फुल नाइट स्टडी चैलेंज का। और हाँ, एक बात और, मैं मैथ्स पढ़ने के बाद आधा घंटा सो भी गया था 9 बजे के बाद, क्योंकि बहुत नींद लग रहा था तो मैंने सोचा कि 10 मिनट का नैप लूंगा, बट आधा घंटा का नैप चला गया। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो भी मैंने टास्क लिया था सारा मैंने कंप्लीट किया है और अभी 11:14 हो रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं पे एंड होगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।